मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 31वां अध्याय का 15वां वचन हम पढ़ें। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। जो वचन आज सुबह हमने पढ़ा, इसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा वो आदर्श पत्नी या आदर्श स्त्री के मेहनती स्वभाव को दिखा रही है कि किस प्रकार वो हरेक का देखभाल करती है, उसके जिम्मेवारी में जो हैं उनको खाना खिलाती है। इस स्त्री की खूबी को जरा देखें, वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने अजीजों की शारीरिक आराम की चिंता करती है और उनके भीतरी बल के लिए कठिन मेहनत करती है, उनके स्वास्थ्य के लिए कठिन मेहनत करती है। इसका मतलब कि जो कोई उसके जमवारी में उन सब के लिए उनकी सारी जरूरतों की ये स्त्री चिंता करती है। क्या हम देख सकते हैं इस स्त्री में स्वर्गीय पिता का स्वभाव दिखता है, क्योंकि परमेश्वर भी अपनी सारी सृष्टि का देखभाल करते हैं। वचन कहता है जो इसराइल पर जिसने नजर रखी वो कभी ना सोता है ना ऊँगता है। जब इसराइल की प्रजा रात को आराम करती थी, उनके अंदर ये तसल्ली था कि इसराइल का परमेश्वर प्रेम के साथ उनका देखभाल कर रहा है, उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसने उन्हें मरुभूमि में खिलाया, दुश्मनों के मध्य में जिसने संभाला, वो उनका बल और उनका उद्धार है। और ये धन्य आश्वासन एक व्यक्ति के मन को शांति देता है जो पूरे मन से प्रभु पर भरोसा करता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी अदन बगीचा में इसी उद्देश्य से रखा था। उनका कर्तव्य था, उनकी जिम्मेवारी थी कि सारी सृष्टि का देखभाल करें, उनकी जरूरतों को समझकर प्रेम के साथ उनकी आवश्यकता को पूरी करें। इधर जैसे हमने वचन में पढ़ा है, यह स्त्री वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने की को भोजन खिलाती है, भोजन तैयार करती है और फिर खिलाती है ताकि घर का हर सदस्य बलवंत हो सके। इतना ही नहीं, वो अपने दासियों का भी सेवा करती है और दासियों को जिम्मेवारियां देती है ताकि जब दासियां सुबह उठती हैं वो भी आनंद के साथ अपने कामों में मन लगा सके। स्त्री का हृदय जरा देखें, घर में शायद सबसे आखिरी में वो सोने जाती है अपने दिन का सारा काम कर, लेकिन उसका प्यार भरा दिल उसे इतना बल देता है कि बाकी सब सवेरे उठने के पहले वो खुद उठ बैठती है और उनकी देखभाल करती है, उनकी जरूरतों की चिंता कर इंतजाम करती है। प्रतिदिन जैसे सूर्य उदय होता है, उसका दयालु हाथ प्रेम के साथ सबका देखभाल करती है। एक आदर्श स्त्री या पत्नी वाला घर कितना धन्य है। आइए इस वचन के गहराई को जरा देखें। हम मनन कर रहे थे कैसे यह आदर्श स्त्री कलीसिया की छाया है जिसके अंदर स्वर्गीय पिता का ही हृदय है। ये दुष्टता भरी दुनिया में कोई भी चीज, ये माया भरी दुनिया की एक व्यक्ति के प्यास को बुझा नहीं सकती। केवल कलीसिया ही है जो थके हुए प्राण को आत्मिक भोजन से तृप्त कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो जिम्मेवारी दी है कि हम ये दुष्टता भरी दुनिया में एक गवाह के तौर पर खड़े हों। एक समय हम पाप में मरे थे, प्रभु यीशु जो जीवन का रोटी है स्वर्ग से उतरकर आकर हमें दैवीय जीवन और बल दिया। हम जो कलीसिया के अंग हैं, हमने जो जीवन का रोटी पाया, अब
क्या हम ये रोटी को अपने लिए ही रखेंगे? जिसने ये जीवन पाया उसके अंदर वो बोझ होता है कि वो नाश होने वालों के पीछे मेहनत करता है। उसे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक भूखे प्यासे की भूख मिटा सकता है, प्यास मिटा सकता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 7:38 में कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेंगी। एक प्रभु का जन जो प्रभु यीशु पर भरोसा करता है और जिसने उद्धार पाया है मसीह के द्वारा, वो स्वयं अपना ऊर्जा प्रभु से पाता है और दूसरों के लिए, प्यासों के लिए जीवन का जल का स्रोत बन जाता है। उसके लिए जो दुल्हन या कलीसिया है, उसे क्या करना है? सवेरे उठना है, खुद बल पाना है, अपनी टोकरी में जीवन का रोटी भरना है। हम उस छोटे बालक के बारे में जानते हैं जिसके पास 5 रोटी और 2 मच्छियां थी। कैसे उसने उन रोटियों और मछलियों को प्रभु के हाथ में दिया? उसकी मां ने सुबह उठकर छोटे से डिब्बे में उसके लिए खाना भोजन तैयार किया था, ताकि जो वो पर प्रभु का वचन सुने कहीं भूखा ना रह जाए। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी उसका छोटा सा मेहनत आखिर में 5,000 भूखे पेटों का भूख मिटाएगा। उसने अपने बालक को सिखाया था कैसे दूसरों के साथ बांटने में कितना आनंद आता है, इसलिए ना वो बालक ने अपना भोजन प्रभु के हाथ में दिया। जब वो छोटा भोजन, थोड़ा सा भोजन प्रभु के हाथ में पहुंचा, कितनों के लिए आशीष का कारण बना। प्यारे अजीज, आप जो छोटी सी मेहनत करते हैं, अगर प्रभु की आशीष उस पर हो, कितनों के लिए आशीष का कारण बनेगी। ध्यान रखे, किसी ने भी वो बालक को धन्यवाद नहीं दिया, उसका नाम वचन में लिखा भी नहीं गया है, लेकिन सबने परमेश्वर की महिमा देखी और प्रभु की स्तुति करते घर गए। आइए हम भी जब प्रभु के दाग की बारी में मेहनत कर रहे हैं, उसी मन के साथ मेहनत करें। हम अपने लिए स्तुति और प्रशंसा इकट्ठा ना करें, वरन सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। प्रभु से कुछ बदले में पाने की इच्छा से मेहनत ना करें, वरन आइए हम सब कुछ उस दिल से करें जो प्रभु को प्यार करता है और प्रभु की आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार है। प्रतिदिन सुबह जब दुनिया सोती है, आइए हम प्रभु के चरणों में समय बिताएं, भोजन इकट्ठा करें अपनी टोकरियों में, ताकि जो कोई हमारे सामने भूखा आता है वो कभी भूखा ना लौटे। हर कोई जो हमारे पास आता है वो जीवन के रोटी से तृप्त हो। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा ये पापमय दुनिया में वो बलवंत होकर चल सके। ध्यान रखें, अगर हम दूसरों को आत्मिक भोजन खिलाने में अगर हम विश्वास योग्य नहीं हैं, जो हमने प्रभु से मुफ्त में पाया है, थोड़े से दिनों जब हम इस संसार में बिताते अगर हम विश्वास योग्य नहीं है, तो क्या अनंत काल में परमेश्वर हमें कोई जिम्मेवारी सौंपेगा? आइए इन दिनों में प्रभु हम हरेक को अपनी जिम्मेवारी पहचानने में मदद करे, ताकि हम विश्वास योग्य ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु, उसके द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। दुनिया जब दुष्टता में, अंधेरे में परेशान है, आपने हमें ये जीवन का रोटी देकर हमें तृप्त किया, हमारी प्यास बुझा दी, हमें बलवंत किया। प्रभु ये रोटी हमारे लिए अकेले नहीं, जैसे उस बालक ने रोटी आपके हाथ में दी, प्रभु जो वचन हमने पाया ये दूसरों के सामने बांटने के लिए, दूसरों को भी बलवंत करने के लिए हम एक एक को मन दे, मेहनती होने के लिए मन दे। हम अपने लिए काम करने वाले नहीं, वरन हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो,
सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे, हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, मारना।